स्वागत करता हूं। ग्रेटर नोएडा सचिव के घर पहुंची है पुलिस, रापुरा थाने की पुलिस यहां इनके घर पहुंची है। सीमा और हैदर से की गई है पूछताछ, तकरीबन एक घंटे की पूछताछ की गई है। पुलिस इनके घर पहुंची है, एक घंटे से पूछताछ जारी है। सीमा के वापसी को लेकर यह पूछताछ जारी है। ग्रेटर नोएडा सचिव के घर ये पुलिस पहुंची है, थाने पुलिस सीमा और हैदर से पूछताछ जारी है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सीमा और हैदर के घर ये पुलिस पहुंची है, तकरीबन एक घंटे की पूछताछ जारी है। कई मामलों को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। रघुपुरा थाने की पुलिस घर पहुंची है, तकरीबन एक घंटे से पूछताछ जारी की गई। सचिन के घर पुलिस पहुंची है, सीमा से लगातार पूछताछ जारी है। इसी खबर पर लेकर हमारे साथ रजत हमारे साथ मौजूद है। रजत, इस मामले पर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल, पुलिस सुबह तड़के से ही सीमा और जो सचिन है उनके घर पहुंची थी, पूछताछ की गई। साथ ही सीमा के पास और सचिन के पास जो आधार कार्ड मिले हैं उनकी जो जांच की गई है। फिलहाल अभी तक निकल के आया है कि सीमा किस तरीके से भारत में घुसी है, ये भी जांच की गई। आखिर कहां कहां तालुकात, ये भी पूछा गया है। तकरीबन एक घंटे तक पूछताछ की गई। कल दो थानों की पुलिस थी, आज रघुपुरा थाने पुलिस की पुलिस गई थी, खुद वहां पर लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई। साथ ही सचिन और सीमा को एक कमरे में ले जाकर पूछताछ की गई है। अब देखने वाली बात होगी आखिर जो जांच एजेंसियां क्या रिपोर्ट पेश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सीमा हैदर जाना तरफ वायरल है, हर जगह लोग चर्चाएं कर रहे हैं, तो ऐसे में सीमा हैदर का मानना है कि हम भारत से पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान में बैठे सीमा के पति या जो और लोग हैं उनका मानना है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन अब हालांकि जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं, अभी तक जांच में ये साफ नहीं हुआ कि सीमा हैदर और की कारण किन कारणों से आई है। सीमा हैदर का मानना है कि हम सचिन से प्यार करते हैं, लेकिन जब कुछ लोगों ने सीमा को धर्म को लेकर पूछताछ की तो धर्म को लेकर सीमा को कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन इस्लाम धर्म से सीमा अपने आप को बता रही है। लेकिन जब उन्हें यही नहीं पता है कि नमाज कितने टाइम पर पढ़ी जाती है, तो ऐसे में तमाम तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस है वो जांच कर रही है, जांच के बाद जो जांच एजेंसियां होंगी वो रिपोर्ट पेश करी, उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर सीमा भारत में रहेगी या वापस उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। रजत, क्या इस पूछताछ के दौरान ये पता कर पाए हैं कि नेपाल से बिना किसी पासपोर्ट बिना किसी चीज के सीमा यहाँ पर कैसे आ गई? देखिए निश्चित तौर पर सीमा का कहना है कि हम पहले दुबई गए, फिर दुबई से हमने जहाँ नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया, सिर्फ वहां से भारत में प्रवेश किए, लेकिन वो भी अवैध है। सीमा का कहना है कि मैं गलत तरीके से आए हैं, वो सही है, लेकिन मेरा इरादा भारत के प्रति गलत नहीं है। हम सचिन से प्यार करते हैं, सचिन से मैंने शादी की है काठमांडू में, लेकिन शादी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो हैदर थे, हैदर से भी सीमा ने भागकर शादी की है, तो साथ ही सचिन है, सचिन के पास भी भागकर आए, तो ऐसे में तमाम सवाल है सीमा पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसी या वो जांच कर रही, आखिर कहीं तालुकात गलत संगठन से तो नहीं है सीमा की। लेकिन जिस तरीके से सीमा कहना है कि हमने हिंदू धर्म अपना लिया है, लेकिन हिंदू धर्म अपनाने से नहीं होता है। आखिर आपका मकसद क्या है, किन कारणों से आप भारत आए हो, वो महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, तमाम जांच एजेंसियां हैं, पुलिस भी लगातार घर पे जा रही है, सीमा और सचिन से पूछताछ की जा रही है, और सीमा के कहां कहां तालुकात रहे हैं वो पूरा पुलिस खंगाल रही है। रजत, सीमा का जिस तरीके से कहना है कि पाकिस्तान में ये अपनी 15 से 16 लाख रुपए की जमीन बेचकर आई हैं, जिसके कागजात हमारे हाथ लगे थे, इसको लेकर भी हमने सवाल पूछे थे, इसको लेकर भी कुछ पूछताछ चल रही है क्या? देखिए बिल्कुल, सीमा का कहना है कि हमने कुछ समय पहले कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो मुझे सचिन से मिलना था, वीजा बनवाना था नेपाल का, तो मुझे प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा, लगभग 15-16 लाख की वो प्रॉपर्टी थी, उसको बेचा है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है, जो पाकिस्तानी करेंसी को आपने किसी को जानकारी भी नहीं हुई और आपने तुरंत उसको हिंदुस्तानी करेंसी में कैसे बदल दिया, कोई जानकारी नहीं, इसका कोई भी जवाब नहीं है सीमा के पास, क्योंकि सीमा के पास जो पुलिस को कुछ पैसे मिले हैं वो हिंदुस्तानी करेंसी थी। आखिर वो करेंसी कहाँ से आई है, क्या सीमा ने कहीं से प्लान के तहत सीमा को भारत में भेजा गया है? लेकिन अब
सीमा का कहना है कि हमारे जानकार थे नेपाल कहीं भी जो हो, लेकिन वहां पर हमने बात की तो वहां से हमारे जो पैसे थे पाकिस्तानी करेंसी को उसने बदला गया है। तो ऐसे में पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है, लगभग कल भी 1 घंटे तक पूछताछ की गई, आज पूछताछ की गई है। अभी तक पुलिस की पूछताछ और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनकी पूछताछ में ये साबित नहीं हो पाया है कि सीमा का किसी गलत संगठन से ताल्लुकात है या नहीं। ये जरूर है कि दायरे हैं जांच के वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या सीमा कोई एजेंट तो नहीं है, क्योंकि सीमा खुद को अपने आप को पांचवी फेल बता रही है। लेकिन वही जो बातों से लग रहा है, जो उनकी फराटेदार हिंदी है, तो ऐसा लग रहा है कि आखिर आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हो वहां की भाषा कुछ और है। आपने चंद दिनों में ही इतनी बढ़िया हिंदी कहां से सीख ली है, कौन सा ज्ञान आपने, कौन सी नॉलेज की किताब पढ़ी है जो आपने इतनी फराटेदार हिंदी बोल रही हो? जी रजत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो